नमस्कार, स्वागत है आपका 9 टीवी में और मैं हूं ऋतुविष्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, अहम खबर आपको बता दें, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फजीहत झेलने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो पीओके में रैली करेंगे और बताएंगे कश्मीरियों को कि वो उनके लिए किस तरह से खड़े हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इमरान खान और पाकिस्तान की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है, कश्मीर का मसला यहां पर जिस तरह से रखा जा रहा है, उस पर फजीहत लगातार यहां पर झेलनी पड़ रही है पाकिस्तान को। यूएनएचआरसी में भी आपको बता दें कि किस तरह से मुंह की यहां पर पाकिस्तान को खानी पड़ी है। उसके बाद एक नया पैतरे के साथ पाकिस्तान जो है वो सामने आया है और पीओके में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रैली करेंगे। तो 13 सितंबर ये वो तारीख है जब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान मुजफ्फराबाद में एक बड़ा जलसा करेंगे। इसका खुद इमरान खान ने ऐलान किया है और कहा है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो कश्मीर मसले को लेकर वो सामने ला सके। तो उन्होंने कहा है कश्मीरियों को दिखाऊंगा कि हम उनके साथ पूरी तरीके से किस तरह से खड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 धारा हटी है, तब से लेकर अब तक आपको बता दें कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भारत के इस फैसले को लेकर कड़ी निंदा यहां पर झेलनी पड़े, लेकिन अब जिस तरह से कल हमने देखा यूएनएचआरसी में किस तरह की फजीहत का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा है, अब एक कोशिश और इमरान खान के जरिए यहां पर की जा रही है। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।